और हमारे साथ इस फिल्म की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस मंशा पाशा साथ हैं, और इन्होंने बहुत सारा काम किया टेलीविजन पे भी, और इनकी थर्ड फिल्म है, इनकी दो फिल्में पहले भी आ चुकी हैं। टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। तुम जिस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हो ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा। पटला नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जाओ जाके खुद ब्लॉक करा। मैं आराम से। तो हमारे साथ मौजूद है मंशा पाशा। अस्सलाम वालेकुम मंशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मुझे बताइए मंशा, क्या कैसा रहा आपका ये सफर और आपकी जर्नी, और आपकी ये थर्ड फिल्म है, तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप इस फिल्म में कैसे आई थी? मुझे एक्चुअली इन्होंने अप्रोच किया था आई थिंक अभी 2 साल पहले, ये फिल्म 2 साल पहले जो है ना शूट हुई है। तो मैंने इसका स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका जो कॉप जर्नलिस्ट एंगल है। इट्स लाइक वेरी गुड, लाइक इसमें ड्रामा भी था, इसमें इमोशंस भी थे, लेकिन इसमें मसाला भी था, इसमें देसीपन भी था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर मैं जलाल से मिली, और मैं जब उनसे मिली तो यूजली मैं यही करती हूँ कि मैं डायरेक्टर को देख के फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो मैं समझ गई कि ये फिल्म बड़े अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो सोच है और उसके साथ ये बड़ी मैच करती है, जिस किस्म की फिल्म इनको खुद देखना पसंद है और जो वो यहाँ पर पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। तो बस उसी तरह फिर हमने इस फिल्म को शूट किया, बड़े मज़े से शूट किया। मैं अभी एक्चुअली आज ही ये सोच रही थी कि हमारे उस फिल्म पे क्या मसले हुए थे। अब आज मैं सेट पे थी, वहाँ पे कुछ मसले हो रहे थे, मैंने सोचा था हमने तो एक मैंने पूरी फिल्म की है, उसमें मुझे क्या ये मसले हुए थे, क्या कौन से मसले हुए, मुझे ऐसे एज सच कुछ याद नहीं आ रहा था कि कोई इतना कोई, जबकि फिल्म पे बड़े मसले होते हैं जी, जी, लेकिन जी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह हमने बड़ा स्मूथली यू नो इसको निकाल लिया फिल्म को, और जलाल को क्रेडिट है क्योंकि वो बड़े एक काम और अच्छे इंसान, कूल डायरेक्टर है, बहुत कूल डायरेक्टर है, बहुत कूल डायरेक्टर है। तो मुझे एक बात बताइए, आपका मैंने एक शॉट देखा है फिल्म ट्रेलर के अंदर अभी, मैंने वो जो आपने झील सैफुल मुलुक को शूट किया है, और मैंने बहुत सारे फिल्मों में देखा है कि उसको शूट किया है, बट जो ब्यूटी और जो शॉट्स लिए उसके, ओ आउट क्लास। तो आपको वहाँ जाने आने में या वहाँ रहने में या टाइम नाइट स्पेंड करने में कोई दुश्वारियाँ नहीं हुई? मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मुझे लगता है मेरी जो है ना मेरी इम्यूनिटी उस वक्त कोई अच्छी नहीं थी, ये लोग सब बड़े मज़े में थे और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो वो एक थोड़ी सी मुसीबत, एक तो ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, जो अगेन क्रेडिट टू देम कि उन्होंने इतना अच्छे से निकाल लिया कि हमारा जो एक्चुअल शादी का सॉन्ग है ना, उससे पहले मेरी इंगेजमेंट हुई थी, और इंगेजमेंट के 5-7 दिन के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने उसमें मतलब वेट लूज़ कर लिया था, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर मेरे पास तकरीबन 2 दिन थे जिसमें मैंने रिहर्सल करके फिर वो फिल्म का जो मेन गाना है उसका जो डांस वाला गाना है वो मैंने परफॉर्म किया। अब मैं अभी भी डरी हुई हूँ कि पता नहीं क्या होगा, एक मेरा इसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और एक अब जब हम अप नॉर्थ गए थे तब वो ठंड जो है ना मुझे लग गई और मुझे ज़ुकाम और बुखार होना शुरू हो गया, लेकिन शुक्र है कि वो ज़रा आखिर में हुआ। हम तकरीबन थे वहाँ पे 7 दिन तक, और वो बिल्कुल ही आखिर के 1-2 दिन में वो हुआ, लेकिन मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि क्योंकि इतना एक अच्छा माहौल माशाल्लाह से है और इतने काम किस्म के लोग हैं कि आपको इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता है मतलब। और जलाल की ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं कि ये मैं कैसे करूँ या मैं सही कर रही हूँ, तो वो आपको बता देंगे एग्जैक्टली कि ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो कहेंगे कि नहीं मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से करो, उनका फीडबैक बड़ा अच्छा होता है और अच्छे तरीके से देते हैं कि बंदा नर्वस नहीं होता, बंदा समझ जाता है कि अच्छा इनको ये चाहिए, यू नो। और यहाँ लोग भी जो बात करते हैं हमारी फील्ड में भी बात करते हैं, इवन आपकी फिल्म मैंने लाल कबूतर भी सिनेमा में जाके देखी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, लाल कबूतर का, तो वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी आपकी। आपको जो कमेंट्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपके बारे में जो कमेंट्स सुने कि आपको कहा जाता है जैसे आप एक बहुत ही हमारे पास रूही बानो थी एक्ट्रेस जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, खालिदा रियासत थी या इंडिया में समीता पाटिल थी या अभी मैं कहूँगा रेखा थी, आपको जब उनसे मुशाबिर किया जाता है कि आपकी एक्टिंग में बहुत डेप्थ है, तो आपको कैसा फील होता है और ये आपने सीखी कहाँ से? सीखी तो पाकिस्तान में कोई सीखा हुआ एक्टर तो है नहीं, हम सब जो है ना अल्लाह मियाँ का जो दिया हुआ है हमें टैलेंट, हम उसी को ज़रा पॉलिश ही करते रहते हैं, लेकिन वो सब खुदा का ही दिया हुआ है। नहीं बहुत मुझे
एक्चुअली लाल कबूतर के दौरान ही बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आपकी जो एक्टिंग है ना, लेकिन आप बहुत सीरियस रोल्स करती हैं, मतलब आप बहुत सीरियस रोल्स करती हैं। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी जो अगली फिल्म होगी ना, उसमें मैं एक्टिंग के अलावा कुछ और भी लोगों को एक ऐसा एंगल अपना दिखाऊंगी जो उन्होंने नहीं देखा, यू नो, समथिंग मोर ग्लैमरस, समथिंग यू नो दैट विल लुक डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन। बिकॉज आपको पता है, देखिए टीवी में हम थोड़े से लिमिट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये पूरा फैमिली का है। फिल्मों में क्योंकि यू नो इट्स अप टू पीपल कि आप जाएँ, टिकट लें, किसको देखनी है किसको नहीं देखनी, तो उससे बड़ा ये हमें एंगल मिल जाता है कि आप एक ऐसा कैरेक्टर करें जो कि आप टीवी पे नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने मेरा ये अल्लाह की तरफ से मेरी ये सोच ही थी उस वक्त जब मैं लाल कबूतर कर रही थी कि जो मैं अगला प्रोजेक्ट करूँगी वो इस सब से हटके होगा, वो थोड़ा सा ग्लैमरस होगा, वो ये होगा। और जो मुझे स्क्रिप्ट मिला जलाल की तरफ से वो बिल्कुल ऐसा था जिसपे बिल्कुल ये सब अप्लाई हो रहा था। और जलाल खुद भी मतलब ये चाह रहे थे कि हम स्टाइलाइज्ड रखें फिल्म को, ऐसा नहीं है कि बस यू नो कॉप है और वो है जर्नलिस्ट है, तो बिल्कुल ही उस पर हम मैच करें। फिल्म का एक अपना ग्लैमर, एक अपना चार्म है, और एस्थेटिकली उसको हमें कैसे दिखाना है कहानी के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वाली फिल्म में आई होप आप सब ये भी देखेंगे कि जो है एक बिल्कुल ही वो नहीं है कि ड्रामे में जैसी एक्टिंग होती है या जैसा लुक होता है वो नहीं है। इट्स समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग विच ऑन द बिग स्क्रीन जैसे होता है ना कि एक सर्टन चार्म और ग्लैमर इंशाल्लाह वो लोगों को मिलेगा और आई होप उनको पसंद आएगा।